हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ काले चने से बनने वाली बिल्कुल नई रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनने में उतना ही वक्त लगता है जितना आप काले चने की नॉर्मल सब्जी बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चनों को अच्छे से पानी से धोकर 6 घंटे के लिए भिगो दिया। अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे और इसके अंदर सारे चनों को डाल देंगे। चनों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। आप इसमें धनिया के जो डंठल होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं उनका यूज़ करें। इसी के साथ मैंने इसमें यूज़ किया है अदरक, लहसुन की 6-7 कलियाँ, एक हरी मिर्च, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जितना भी आपको तीखा चाहिए, नमक और हींग। अब हम इन सभी को मिक्सी में थोड़ा सा चला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका इस तरीके से पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर घी या तेल अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं। अब जो हमने चने का पेस्ट पीस के रेडी किया है उसे हम बर्तन में डाल देंगे। इसमें हम पूरे पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट हम बचा लेंगे जिसका यूज़ हम ग्रेवी में करेंगे। ये देखिए 2 या 3 चम्मच मैंने बचा लिया है। अब चम्मच की सहायता से पूरे पेस्ट को हम अच्छे से फैला लेंगे। प्लेट को थोड़ा सा टैप कर लें ताकि इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह हों तो वो निकल जाएँ। मैंने पहले से ही कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर उसमें एक स्टैंड रख दिया। अब इस स्टैंड के ऊपर हम इसको रख देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने 2 टमाटर, 1 बड़ा प्याज, 9-10 लहसुन की कलियाँ, अदरक, 2 इलायची, 10 काली मिर्च लिए हैं। टमाटर को मैंने अलग पीसा है और बाकी सभी सामान को मैंने एक साथ पीस लिया है। हमने जो चने का पेस्ट बनाया था वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम बनाएंगे ग्रेवी। अब कढ़ाई में डालें 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इसमें ऐड करें 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और इसे 1 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें ऐड करें हींग। अब कुछ सेकंड के लिए हम इसे और पकाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। अब हम प्याज के पेस्ट को भूनेंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। प्याज को हमने हाई फ्लेम पे ही भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें चने मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो ऐड करेंगे। अब टमाटर को भी हम ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को हम थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर फ्लेम हाई कर लेंगे। अब इसमें जो हमने चने का पेस्ट बचा के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। चने की नॉर्मल सब्जी तो हम घर में बनाते ही हैं, लेकिन कभी इस सब्जी को ट्राई करिएगा, ये सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और उसे भी मसालों के साथ पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको ग्रेवी चाहिए। मैं थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखूँगी। पानी और मसाले को हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसको ढककर 4 से 5 मिनट पका लेंगे। ये देखिए ये जो चने का पेस्ट बनाकर हमने पकाया था ये भी अब ठंडा हो चुका है और बर्तन से अपने आप ही अलग हो जाता है। ये देखिए ये कितने अच्छे से पक गया है। अब हम इसके स्क्वायर शेप के पीस काट लेंगे। आप चाहें तो इसके पीसेस को फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। अब हम इन पीसेस को जैसे हम पनीर फ्राई करते हैं वैसे ही तवे पे थोड़ा सा घी डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। इन्हें दोनों तरफ से अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे हम। मैंने लौकी की भी सब्जी इसी तरीके से बनाई हुई है, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वो सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इन पीसेस को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से कलर आ चुका है इनके ऊपर, जैसे कि हम पनीर को शैलो फ्राई करते हैं उसी तरीके से।
ये देखिए हमारी ग्रेवी भी कितने अच्छी तरीके से पक चुकी है। आप चाहें तो इस सब्जी को बगैर लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं, बस आपको जो हमने चने का पेस्ट बनाया था उसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। अब हम इसमें जो हमने पीस फ्राई किए थे वो सब ऐड कर देंगे। सब्जी को थोड़ा सा चला देंगे और इसे अब हम ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके हमारी तैयार हुई है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी अभी थोड़ी सी ज़्यादा पतली है इसलिए मैं उसे 2 या 3 मिनट हाई फ्लेम पर और पका रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, धनिया की पत्तियाँ और इसे चला लेंगे। ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप इसे चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, दोनों के साथ ही इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।